हेलो लर्नर्स, मुझे आशा है कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को जरूर लाइक किया होगा, शेयर किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। यदि अभी तक नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मुझे आशा है कि आपको पिछला भाग पसंद आया होगा। आपने मेरी पिछली सभी वीडियोस को देखा और उन्हें अपना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं इस श्रृंखला का अगला भाग और अगले 10 प्रश्नों को समझते हैं व्याख्या के साथ। प्रत्येक प्रश्न के लिए समय 10 सेकंड्स मिलेंगे, जिसमें पढ़ने के लिए 5 सेकंड्स और उत्तर देने के लिए 5 सेकंड्स होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट हेप्टाथलॉन में शामिल नहीं है? ऊंची छलांग, 100 मीटर स्प्रिंट, भाला फेंक, डिस्कस थ्रो। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? 25, 26, 23, 20। इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है लीवर, पिट्यूटरी, अग्नाशय, थायराइड। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सूची 1 का मिलान सूची 2 से करें। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015, 21 जून 2016, 23 जुलाई 2015, 25 जुलाई 2016। भारत का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी। मीना शाह किस खेल से संबंधित है? तैराकी, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक अनुमोदन माना जाता है? सहनशीलता, लचीलापन, गति, शक्ति। ग्रीवा संधि का उदाहरण है हिंज संधि, ग्लाइडिंग संधि, पिवट संधि, बॉल एवं सॉकेट संधि। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने आज बहुत सी चीजें सीखी होंगी।
आपके लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्रिप्शन मुझे आपके लिए और इसी तरह की वीडियो बनाने और अधिक प्रयास के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो दिल खोलकर अपनी बातों को कमेंट में लिखें, मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और वीडियो लाता रहूं। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में।